गाइस, गाड़ी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, लाइसेंस का ना होना और फिर उस पर भारी जुर्माना देना, ये ट्रैफिक रूल्स आपको सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स बताता हूँ जिसे जानने के बाद आप अपना जुर्माना और जेल जाने से बच सकते हैं। पहला, अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल काट रहा है और वो आपसे 100 रुपए से ज्यादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की चालान काटने की लिमिट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए काट रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि PUC पर चालान सिर्फ RTO ऑफिसर ही काट सकता है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट करने का राइट ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया को अपना कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका से वापस चाहिए। जी हाँ गाइस, ये वो आइलैंड है जिसे साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इंडिया को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल ये आइलैंड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे भारतीय मछुआरों के लिए जिनकी लाइफ ही यहां से आई मछलियों पर डिपेंड करती है। लेकिन ब्रिटेन के एक रूल की वजह से साल 1974 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके बाद ये आइलैंड श्रीलंका का हो गया। पर श्रीलंका ने इस चीज का गलत फायदा उठाया और इंडिया के लोगों को यहां आने से बैन कर दिया। यही नहीं, यहां आने वाले सभी मछुआरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसलिए अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफिशियली श्रीलंका से इस आइलैंड को वापस करने की डिमांड कर रही है। और वैसे भी इंडिया श्रीलंका को $2 बिलियन से भी ज्यादा का लोन देकर पहले ही उसकी बहुत ज्यादा मदद कर चुका है। लेकिन गाइज, बावजूद इसके क्या श्रीलंका इंडिया को ये आइलैंड वापस करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।